ढाबे और रेस्टोरेंट में पनीर मसाला तो सभी ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करके जब आप खाते हो तो आप सोचते हो ना कि काश यही की यही रेसिपी, डिट्टो रेसिपी हमें पता चल जाए, जिससे कि हम घर में भी बना के खा लिया करें और घर में बनाएं जिससे कि सब मेहमान आपकी बहुत तारीफ़ करें। तो चलिए ये सीक्रेट रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, आप घर में बनाइए और मेहमानों को सरप्राइज कर दीजिए कि ये आपने रेस्टोरेंट या ढाबे से मंगाई है, और वो बिलीव भी कर ले। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल के डालेंगे, एक चम्मच कसूरी मेथी का, कसूरी मेथी डाल के हरा धनिया फ्रेश बारीक कटा हुआ डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची एक चम्मच डालेंगे जो कि कम स्पाइसी होती है, तीखा ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो 1/4 टीस्पून डेगी मिर्च डाल लीजिए या कश्मीरी मिर्च का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कुक टमाटो पेस्ट जो कि 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं, जिसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। कद्दूकस करके टमाटर को अलग से ऑयल में फ्राई करके भी आप इसे डाल सकते हैं, करीब 2 टमाटर। और कुक्ड अनियन पेस्ट का भी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, 1 चम्मच ऐड किया है। 2 प्याज को कद्दूकस करके आप अलग से ऑयल में फ्राई करके भी इसकी जगह डाल सकते हैं। साथ में 1 हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है और 1 चम्मच नमक, या आपके स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। जब सब कुछ अच्छे से पक जाए, ऑयल छूट जाए, प्याज और टमाटर अलग अलग पका के ही डालने हैं, कंपल्सरी है, तब जाके आएगा बाजार वाला टेस्ट। जब हो जाए तो उसमें बारीक काट के, चॉप करके, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, चॉप करके टमाटर और प्याज, तो करीब 2 टमाटर 2 प्याज चॉप करके डालेंगे। इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, यहाँ पे आपको टमाटर और प्याज ज़्यादा कुक नहीं करने हैं, हम कच्चे ही रहने देंगे इनको। डालेंगे छोले मसाला 1 चम्मच और आधी चम्मच थोड़ा सा और ऐड करेंगे अगर तीखापन ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो। अब इसमें हम अच्छे से पानी डाल के इसको पकाएंगे। प्याज टमाटर को कच्चा ही रहने दीजिए, मसाला डालिए, फिर डालिए थोड़ा सा गरम पानी, और गरम पानी डाल के हम इसको कुक होने देंगे। जैसे जैसे सब्ज़ी कुक होगी, जो कच्चा प्याज है, टमाटर है, इनके अपने जूसेस और फ्लेवर्स होंगे जो एंड में सब्ज़ी में आने वाले हैं, और ये भी साइड बाय साइड कुक होते रहेंगे। ये देखिए, अच्छे से हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा टमाटो का केचप, जो कि हॉट एंड स्वीट वाला टमाटो केचप है। अगर हॉट एंड स्वीट मैगी वाला टमाटो केचप ना हो तो नॉर्मल कोई सा भी केचप ले लीजिए, उसमें आधी चम्मच रेड वाला चिली पेस्ट मिला के या चिली सॉस मिला के आप डाल सकते हैं। गर्म पानी डालेंगे 1/2 कप। पानी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, आप चाहें तो एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन होता यह है कि अंदाज़ा नहीं लग पाता है और सब्ज़ी पतली हो सकती है। अब डालेंगे इसमें कद्दूकस करके करीब 40 से 50 ग्राम पनीर, जितना पनीर मैंने भी आपको दिखाया है इतना ही, इससे दुगनी क्वांटिटी मैंने इसमें डाली है। तो कद्दूकस करके आपको, ये देखिए मैंने सेकेंड टाइम डाल दिया है, आपको पनीर डालना है, उसी से एकदम ढाबे वाला फ्लेवर आएगा। अच्छे से अब हमें इस पनीर को पकाना है। जब पनीर ग्रेट करते हैं तो करीब 7 से 8 मिनट अच्छे से एक्सट्रीमली इसे कुक करना पड़ता है, ऑयल छोड़ने तक पानी डाल के, तब जाके ये ग्रेवी अच्छे से पकती है। फिर डालेंगे फ्रेश क्रीम 1/4 कप, अमूल की फ्रेश क्रीम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर में अगर दूध की मलाई है तो वो डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, नॉर्मल दूध ले लीजिए 1/4 कप, उसे भी डाल के आप इसे पका सकते हैं, और साथ में डाल दीजिए 1 चम्मच घी, बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अगर क्रीम नहीं है तो दूध में 1/4 कप दूध में मिलाइए करीब 1 बड़ा चम्मच या 1/2 चम्मच घी का, और बन गई आपकी क्रीम, और उसे डाल दीजिए, अच्छे से पका लेंगे। अब वापस से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, क्योंकि मैंने चेक किया था तो सॉल्ट थोड़ा कम था। साथ में डाला मैंने इसमें 1/2 नींबू का रस, जो कि ज़रूरी है सब्ज़ी के फ्लेवर्स को उठाने के लिए। बहुत सारा नींबू का रस मत निचोड़ दीजिएगा, नहीं तो सब्ज़ी बहुत खट्टी हो जाएगी। बहुत थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 नींबू का रस करीब मैंने डाला है, और साथ में जाएगी करीब 1 चम्मच चीनी। तो नींबू का रस और जो चीनी है उससे सारे के सारे जितने भी फ्लेवर्स हैं वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे।
ये देखिए सब्जी को बहुत अच्छे से पकाना है ऑयल छोड़ने तक, उसके बाद वापस से पानी डालेंगे। जी हाँ, ये स्टेजेस में बनती है, तेज आंच पे बनती है। ढाबे वाले तो तेज आंच पे बनाते हैं तो फटाफट बन जाती है, प्लस उनके पास सब कुछ रेडी होता है तो वो मिक्स करके फटाफट बना लेते हैं। साथ में मैंने इसमें डाला किचन किंग मसाला 1 चम्मच। अब अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, सांभर मसाला है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसके अंदर पाव भाजी मसाला डाल दीजिए अगर वो अवेलेबल है तो। अब ऑयल छोड़ने तक हम अच्छे से सब्जी पका लेंगे। 350 ग्राम का पनीर जो कि मैंने घर में बनाया था उसको मैंने बारीक एकदम बड़े बड़े सॉरी क्यूब्स में काट कर डाल दिया। साथ में जैसे ही आप पनीर डाले फ्रिज में से निकाल कर तो डाल दीजिए गर्म पानी साथ में और अच्छे से ग्रेवी को और पनीर को ऑयल छोड़ने तक ढक कर 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक कुक करिए, जब तक कि सब्जी का ऑयल रिलीज नहीं हो जाता एकदम लो फ्लेम पर। सब्जी पे ध्यान रखिए जल ना जाए, चलाकर उसे चेक करते रहिए बीच बीच में ढककर जब आप उसे कुक कर रहे हैं तब। अच्छे से देखिए सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है, ये सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। थोड़ा सा हाथों की हथेली के बीच में एकदम अच्छे से मसलते हुए डाल दीजिए कसूरी मेथी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कसूरी, बहुत अच्छा आए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है और ये सब्जी आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत मस्त बनती है, बहुत ही गजब बनती है। और आई एम श्योर रेस्टोरेंट ढाबे वाले भी शायद इतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे जितनी अच्छी आप बना लोगे, तो इसे घर में ज़रूर बनाइए। और अगर आप घर में बना रहे हो तो प्लीज़ मेरे को भी बता देना कैसी।